बस रमजान जो है ना वो मुसलमानों का सोए हुए ही गुजरता है ज्यादातर। ब्रदर क्या कर रहे हैं आप? काम कर रहे हैं यार, व्लॉग बना रहा हूँ यार, आपको नहीं पता? अच्छा व्लॉग बना, बताओ ना यार, पता अभी आप बताओ कि आप क्या कर रहे हो। हाजी साहब, ये हाजी साहब जो है ना, अभी रमजान का सीजन चल रहा है तो ये पूरे सीजन इसी तरह नहीं भी लिया है, तस्बीह भी लिया, तस्बीह लिया ही, अगर इसके हाथ पे किसी को गिफ्ट दूंगा ना यार, समझे। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मैं उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। इस बार ये व्लॉग तकरीबन कोई 15-20 बल्कि इससे ज़्यादा दिन हो गए उसके बाद आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ हो चुके हैं, मैं भी मसरूफ हो चुका हूँ, और ये भाई जो मेरे साथ होते हैं हमेशा से, इधर देखो भाई, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त जुल्फे हो रही है जितनी दिस टाइम कुले कुले कार्य होना था कुल सो गया। कैसा लगा मेरा मजाक? तो बस यार, इनका हेयर स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त है, इनका हेयर स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त है। तो यार व्लॉग इस वजह से शुरू कर रहे हैं क्योंकि कल है रमज़ान और आज हम बैठे हैं अपनी शॉप पे, और भाई शॉप पे आजकल ये हालात है ना कि बड़ी कोई निकम्मी आवाम हुई भी आ रही नहीं है यार, मतलब क्या हद हो गई है। तो अभी देखें, फिलहाल तो मैं शॉप पे, ये लोग जा रहे हैं पिंडी भाई, ये मैं व्लॉग में वाजे तौर पे कह रहा हूँ कि ये जा रहे हैं पिंडी, ठीक है, मैं जा रहा हूँ पिंडी, पहले से आराम है। आप जानते हैं कि आज है फर्स्ट रमजान, और फर्स्ट रमज़ान की मतलब कि सहरी का टाइम है, और सुबह सुबह हम उठ चुके हैं, ये तकरीबन हो रहा है 4 बजे नहीं, 4 बजे मैं उठ चुका हूँ, किस लिए? सहरी करने के लिए, और सहरी करने के बाद भाई आपसे मिलते हैं, क्योंकि व्लॉग जो है काफ़ी दिनों बाद अपलोड हो रहा है होगा, ठीक है, तो मिलते हैं, देखते हैं आज क्या क्या करते हैं हम, आज रमज़ान है ना फर्स्ट डे, देखते हैं क्या क्या करते हैं। 2 hours later वो भी डन, उसके बाद हम निकल गए मस्जिद नमाज के लिए, अभी टाइम भी नहीं पता कि मस्जिद में जो है ना नमाज का क्या टाइम है, तो अभी जाते हैं, देखते हैं आगे क्या सीन है। इंतजार लग गया है, इंतजार लग गया उस्मान और लग गए होंगे, तो अभी जाते हैं नारिक मस्जिद दरियाब से जो है ना, अगर वो आए हुए तो मिलते हैं, वरना तो जो है ना सुबह ही मिलेंगे। 2 hours later बस फजर की नमाज़ पढ़ ली थी, उसके बाद ना मिल गए थे हमारे भाई इर्तज़ा साहब, तो इनका भी कुछ सीन चल रहा है, वो भी डन करना है, दूसरा भाई था, ठीक है, हम खड़े हुए थे अंदर मस्जिद में दोस्तों के साथ, तो वो बाहर से इशारे कर रहा है आओ आओ, फिर उसने जाना था कॉलेज, तो गया घर, तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर, इंशाल्लाह सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर कुछ ना कुछ करते हैं, और भाई सही है ना, रमजान जो है ना वो मुसलमानों का सोए हुए ही गुजरता है ज्यादातर। ये बात शैतान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंद तो किया, लेकिन शैतान पूरे साल में इतना काम करके गया कि रमजान में उसको काम की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बात है यार, ये सही बोल रहा है बंदा। चलो यार मिलते हैं आपसे। The next day फाइनली हम सुबह उठ कर आ गए थे ऑफिस, और मुझे याद ही नहीं रहा यार कि व्लॉग भी बनाना है, ये कर रहे हैं हम इधर काम, और ये भाई भी कर रहे हैं काम, भाई आप क्या कर रहे हैं? भाई क्या बात है यार, इन्होंने वेबसाइट बना दी है, नीचे करें ना यार, दिखाएं तो सही कैसी बनाइए, क्या बात है, ये लड़का है बड़ा मेहनती लड़का है भाई, इसको अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह दिया करो, ठीक है, और ये भाई भी क्या कर रहे हैं, हेलो भाई, हेलो ब्रदर, हेलो ब्रदर, यार ये मसरूफ बंदा है, कानों में हैंडफ्री डाल के बैठे हैं, ठीक है, ये किसी को जवाब नहीं देते। ब्रदर क्या कर रहे हैं आप? काम कर रहे हैं। लो भाई ये काम कर रहे हैं लगे हुए, यार व्लॉग बना रहा हूँ यार, आपको नहीं पता? अच्छा व्लॉग बना, बताओ ना यार, पता अभी आप बताओ कि आप क्या कर रहे हो? हैं कंटेंट लिख रहे हैं जी, काम कर रहे हैं, एसईओ का काम कर रहे हैं, क्या बात, थोड़ा सा रोजी रोटी का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
भाई ये रोजी रोटी का काम करते हैं इधर, ठीक है। ये भाई भी रोजी रोटी का काम ही करते हैं, ठीक है। तो यार मिलते हैं बस थोड़ी देर में आपसे। 2 hours later निकल गए थे, ठीक है। इधर ये मुझे ये हाजी साहब मिल गए। हाजी साहब, हाजी साहब, ये हाजी साहब जो है ना, अभी रमजान का सीजन चल रहा है तो ये पूरे सीजन उसी तरह रहे, सर पे टोपी, वाइट कपड़े और जो है ना बस इस तरह रहेंगे ये। हाजी साहब कुछ बोलना चाहेंगे? इधर आओ ना। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। इधर आओ, रोजा कैसा गुजार रहा है ये तो बताओ ना। इधर आओ यार, लगता है नाराज है यार। असर की नमाज पढ़ के आ गए भाई, बैठ गए बस कुर्सी पे। ये भाई ये चीज, ये पकोड़े अभी बन रहे हैं, ये मैं हलाल कमा रहा हूँ यार। आप मेरा जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब वगैरह करें ताकि जो है ना हमें हमारे काफी उधर से पैसे आए। तो अभी रमजान में हमारे पास होंगे आलू वाले पकोड़े, प्याज वाले पकोड़े और समोसे होंगे हमारे पास। आलू वाले समोसे, आलू वाले खट्टी चटनी, हाँ खट्टी चटनी देख सकते हैं। हमने तराजू भी रखा है लेकिन उसके साथ हमने पत्थर ये वाले रखे हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल ये ठंडे पकौड़े। टप 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 बीच तो टप आके मेरे ऊपर रिकॉर्डिंग करते हैं, शर्म नहीं आती। मैंने जो है ना तालियां पढ़ ली हैं और ये मेरे भाई ने भी पढ़ ली है और ये भी देखिए क्या कह रहा है। आंखों से हटा मैं अभी पढ़ के नींद आ रही है। ये भाई भी जो है ना क्या सुन रहे हो भाई, ध्यान सुन रहे बयान। अच्छा बात सुन रहे, कैमरा कर रहे यार। बोलता है बयान डिलीट करता हूँ, नहीं वो यूट्यूब पे डाउनलोड डिलीट करता हूँ। डाउनलोड में क्या था, एक दो बयान के पीछे। चुप चुप भाई यार, ये अजीब बंदा यार, अजीब इंसान है। बाकी समझदार हूँ। कोई हम तस्वीरें लेने आ गए हैं। इस भाई का सीजन शुरू हो गया है, बल्कि सॉरी इस भाई का सीजन शुरू हो गया है। ये देखो सफेद सफेद कपड़े, सफेद टोपी, ये भाई का सीजन स्टार्ट हो गया। ये तस्मिया भाई हम दे रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह जी, ये भाई ने हमें शॉपिंग कराई है। और भाई ना बोलना कि तस्बीह भी ली है, तस्बीह भी ली है, तस्बीह ली है। अगर इसके हाथ पे किसी को गिफ्ट दूंगा ना यार, समझे आजकल रमजान का गिफ्ट है, बताऊंगा अपने व्लॉग में। रमजान है, चल बैठ। हुए व्लॉग करते हैं इधर ही खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और भाई आपका भाई जो है ना यार, ये देख लें यार, इसने शॉपिंग कराई आज, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजी साहब बने हुए, रमजान का सीजन चल रहा है इस वजह से।